सानिया मिर्जा ने अपने आखिरी विंबलडन को बनाया यादगार, पहली बार मिक्स डबल के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने आखिरी विंबलडन को यादगार बना दिया है। उन्होंने अपने दमदार खेल से वो काम कर दिखाया जो ग्रास कोर्ट पर पहले खेले जाने वाले इस ग्रैंड स्लैम में पहले कभी नहीं किया था। सानिया अपने क्रोशियाई जोड़ीदार मैट पेवी के साथ मिक्स डबल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये पहली बार है जब सानिया विंबलडन के इस इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। छठी वरीयता वाली सानिया और पेवी की जोड़ी ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच नंबर 4 सीड पियर्स और डाब्रोवस्की के खिलाफ 6-4, 3-6, 7-5 से जीता। विंबलडन के सेमीफाइनल में सानिया और पेवी का मुकाबला दूसरे क्वार्टर फाइनल्स की विजेता जोड़ी से होगा। सानिया ने टूर्नामेंट के महिला डबल्स में भी हिस्सा लिया था, लेकिन वहां उन्हें पहले ही दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे बड़ा सेमीफाइनल की ओर कदम, सानिया और पेवी की जोड़ी को मिक्स डबल के दूसरे दौर में वॉक ओवर मिला था। वहीं पहले दौर में उन्होंने स्पेन के डेविड वेगा हॉर्नडेस और जॉर्जिया की नटेला जाला मिदेजे को 6-4, 3-6, 7-6 से हराया था। अब उन्होंने अपना क्वार्टर मैच भी शानदार अंदाज में जीत लिया है। क्वार्टर फाइनल में सानिया के खेल टॉप क्लास नजर आया। क्रोशियाई जोड़ीदार के साथ उनकी जुगलबंदी कमाल की रही। यही वजह है कि वो अपने करियर में पहली बार विंबलडन के मिक्स डबल में सेमीफाइनल में पहुंची है। खिताब के साथ विंबलडन का अंत करना चाहेंगी सानिया। सानिया मिर्जा का ये आखिरी विंबलडन है जिसे यादगार तो वो पहली बार मिक्स डबल के सेमीफाइनल में पहुंचकर बना चुकी है, लेकिन काम अभी अधूरा है। सानिया चाहेंगी कि ग्रॉस कोर्ट के इस सबसे बड़े मंच पर अपने सफर का अंत खिताबी जीत के साथ किया जाए, ताकि भारतीय टेनिस के लिए वो एक कमाल की मिसाल बन सके। सानिया मिर्जा मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में तो पहली बार पहुंची हैं, लेकिन महिला डबल्स के सेमीफाइनल तक का सफर विंबलडन में वो दो बार कर चुकी हैं।